तो हेलो नमस्ते वणकम होला मरहबाला सतर अकाल की हाल चाल गाइज दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म तो कैसे हैं आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यार आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड यू गाइज आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम एट योर आई रियली विश यू पीपल एंड योर फैमिली मेंबर्स द पिंक ऑफ योर हेल्थ तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दैट विद दिस सीरीज नोन एज स्प्रिंट जैसा नाम से ही पता चल रहा है बहुत तेज दौड़ने की जरूरत है तो एक्चुअली में विद द सीरीज प्रिंट वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम चैप्टर्स को रिवाइज करें और थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करें क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम में समय बहुत कम रह गया है और टाइम टाइम बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है रिवाइज करने के लिए तो एक्चुअली में इस सीरीज के अंदर हम इन अ सिंगल गो एक ही पूरे लेक्चर में हम एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग और जो थोड़ा सा देखने में मुश्किल लगता है बट है नहीं अ चैप्टर स्ट्रेट अवे कमिंग फ्रॉम योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स चैप्टर का नाम है पेस्टरिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बड़ा मजेदार चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर जस्ट टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू इन दिस चैप्टर हम लोग शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात करेंगे पेस्टलिज़म क्या होता है नोमैडिज्म क्या होता है एंड फ्रॉम देयर विल टॉक अबाउट सम पेस्टलिस्ट ट्राइब इन द कंट्री देश में भारत में कुछ ऐसी ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे जिनको आम भाषा में बंजारा कहा जाता है बंजारे क्या होते हैं उनके क्या फीचर्स हैं और किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं ऐसी कौन कौन सी ट्राइब्स हैं कौन कौन से एरियाज में हैं भारत के किन किन इलाकों में किन हिस्सों में

तो हम कुछ ऐसे एरियाज को टच करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अक्सर देखा गया है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं भूल जाते हैं कुछ ऐसे कंसेप्चुअल एरियाज हैं जो समय के साथ साथ धुंधले पड़ जाते हैं इन दिस चैप्टर तो इस पूरे लेक्चर के बाद बिलीव मी दिस चैप्टर विल एक्चुअली बी इन योर ग्रिप बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर आपको हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर लेंगे पूरे चैप्टर को और जब हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो ये एक सिंगल वीडियो में आपको चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा सो बॉयज एंड गर्ल्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स द चैप्टर पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इन इंडिया लेट्स टॉक अबाउट माउंटेन एरियाज हिंदुस्तान में पहाड़ी इलाकों में माउंटेन एरियाज में कौन कौन सी पेस्टरल ट्राइब्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं और उनके मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के इलाके में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेस्टरल ट्राइब है जिसका नाम है गुजर बकरवाल देखिए जब भी हम पेस्ट्रलिज्म की बात करते हैं या नोमैडिज्म की बात करते हैं आम भाषा में लोग कहते हैं बंजारे देखिए बंजारे का आम भाषा में मतलब या उसकी समझ यह कहती है कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं दे आर अनसेटल्ड वो सेटल्ड नहीं है।, है ना बेसिक समझ ये कहती है कि हम अनसेटल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं अनसेटल्ड ये वो ट्राइब्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन आज अगर एक ट्राइब एक काफिला यहां पर रुक गए देखिए हर जगह की एक लिमिटेशन है जैसे जैसे मौसम बदलेगा जैसे जैसे वहां पर गर्मी या ठंड होगी बारिश होगी या सूखा होगा अकॉर्डिंगली उस एरिया में रहने की कंडीशंस में फर्क आएगा अब ये कंडीशंस कुछ समय के लिए सूटेबल होंगी और कुछ समय के लिए ये सुटेबल नहीं होंगी तो जब लिविंग कंडीशन सूटेबल नहीं रहेंगी तो वहां से पलायन करना पड़ेगा माइग्रेशन करना पड़ेगा फिर कहीं और रहना पड़ेगा जब तक वहां पर सूटेबल होगा रह सकते हैं जैसे ही लिविंग कंडीशन वहां पर सूटेबल नहीं रहेंगी वहां से मूव करना पड़ेगा तो कंटिन्यूस माइग्रेशन रहता है इसके अंदर कंटिन्यूस माइग्रेशन कंटिन्यूअस माइग्रेशन ये नोमैडिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है भाई कोई भी ट्राइब नोमैडिक तब कहलाई जाएगी जब वो माइग्रेट करती रहेगी जैसे ही कोई ट्राइब सेटल हो गई उसने इस तरह का नोमैडिक कल्चर छोड़ के खेती करना शुरू कर दिया एक फिक्स्ड एरिया में वो कंफाइन हो गई वहीं रहने लगी तो अगर एक अनसेटल्ड ट्राइब सेटल्ड हो जाती है तो वो नोमैडिक नहीं है इट्स नो मोर यही कहता है कि आप ठीक है आप साथ साथ में पशु रखते हैं देखिए नोमैडिक ट्राइब्स क्या करती हैं साथ में भेड़ बकरी ऊंट इस तरह के जानवर रखती है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यह है कि जिस जगह पर जानवरों के लिए चारा मिल जाएगा पास्चर्स मिल जाएंगे वहां पर वो रुक जाएगी और जब उस एरिया के पास्टर लैंड जब उस एरिया के पास जब, जब उस एरिया में जो अवेलेबल फॉर्डर है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद वहां से मूव करना पड़ेगा फिर कहीं और जाना पड़ेगा समझ रहे हैं? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिएगा नोमैडिज्म की फिर चाहे वो कोई भी ट्राइब मूव करने का जो पैटर्न है वो अलग हो सकता है मूव करने का माइग्रेट करने का जो कारण है वो अलग हो सकता है लेकिन ये रहेगा टिन्यूअस माइग्रेशन रहेगा थ्रू आउट द ईयर रहेगा चेंज ऑफ सीजन की वजह से चेंज ऑफ लिविंग कंडीशन की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्डर एंड पास्चर की वजह से लेकिन मूवमेंट रहेगा समझ रहे हैं? ये नोमैडिज्म है ये उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो अब जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम माउंटेन एरियाज की बात करते हैं देखो माउंटेन एरियाज में मूवमेंट को समझना मान लेते हैं कि ये एक माउंटेन रेंज है ठीक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखो माउंटेन्स के अंदर मूवमेंट क्यों होगा और कैसे होगा ये एक माउंटेन रेंज है सर्दियों में विंटर्स के अंदर ये जो अपर हिल्स हैं, दे विल बी स्नो कैप्ड यहां पे बर्फ ढकी हुई है दीज अपर हिल्स दीज आर स्नो कैप्ड ठीक है ये स्नो कैप्ड है ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ है तो जो ट्राइब्स हैं, वो यहां नीचे वैलीज के अंदर यहां पर रह रही हैं क्योंकि जो वैलीज हैं दीज आर क्वाइट ग्रीन है ना यहां पर थोड़ा सा पास्चर अवेलेबल है थोड़ा सा ग्रीन एरिया अवेलेबल है थोड़े से यहां लोअर हाइट्स के अंदर तो यहां पर इस जगह पर ट्राइब्स रहेंगी सर्दियों में विंटर्स के अंदर क्योंकि ऊपर तो बर्फ है ऊपर तो जानवरों के लिए कुछ भी नहीं है यहां पर नीचे ग्रीन एरियाज अवेलेबल है समर्स के अंदर बाय द बिगिनिंग ऑफ समर्स जैसे ही अप्रैल आएगा बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे ये जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है ये जो बर्फ है ये धीरे धीरे पिघलेगी और जहां पर बर्फ पिघलेगी वहां पर धीरे धीरे ग्रास आ जाएंगे जहां पहले बर्फ थी अब वो ग्रास बन जाएंगे गर्मियों में ज मीडोज बड़े बड़े ग्रास लैंड होंगे घास के मैदान होंगे तो अब यह ट्राइब्स जो लो हिल्स में रह रही थी वैलीज में रह रही थी फुटहिल्स में रह रही थी अब यह ऊपर क्लाइंब करना शुरू करेगी गर्मियों में बिकॉज ऑफ बेटर ग्रास लैंड बिकॉज ऑफ ग्रेटर पास्टर्स अवेलेबल सर्दियों में वापिस नीचे आना पड़ेगा यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जब हम पहाड़ों की बात करते हैं वेन वी टॉक अबाउट दीज माउंटेन्स समझिएगा बात को जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि गर्मियों में तो बर्फ पिघल जाएगी काफी वहां पर ग्रास होंगे तो ट्राइब्स वहां रह लेंगे सर्दियों में बिकॉज देर विल बी स्नो कैप्ड माउंटेन्स तो ट्राइब्स को नीचे दे हैव टू क्लाइम डाउन टू द वैलीज एंड द फुट हिल्स गर्मियों में वापस ऊपर जाएंगे सर्दियों में नीचे आ जाएंगे माउंटेन्स की बात होती है ठीक है ना तो जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो एक ट्राइब है गुजर बकरवाल ये गुजर बकरवाल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की ट्राइब है है ना दे आर बेसिकली शेफर्स दे आर बेसिकली हर्डर्स चरवाहे हैं गडरिये हैं जिनके पास भेड़ बकरी ये सब पशु हैं तो जब हम विंटर्स की बात करते हैं विंटर्स में बिकॉज हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो द हाई माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो रीजन की इनको फुट हिल्स में या लोहिल्स में रहना पड़ेगा शिवालिक्स की अगर हम स्पेशली गुजर बकरवाल की बात करें तो है ना यहां पर उनके पास इन द वैलीज इन द फुट हिल्स उनके उनके जानवरों के लिए उनके भिड़ बकरियों के लिए कुछ पास्चर्स अवेलेबल है लेकिन लेकिन जब हम समर्स की बात करते हैं गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में द स्नो मेल्ट अब बड़े बड़े ग्रास लैंड अवेलेबल है फॉर देयर एनिमल्स तो दे विल क्लाइंब अप तो आप देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल ये ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं दे स्टार्ट मार्चिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर दीज ग्रेजिंग लैंड इन समर्स लेकिन बाय द एंड ऑफ सेप्टेंबर अब क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं वापस नीचे उतर के आना पड़ेगा तो आप देखेंगे एक पैटर्न है मूवमेंट के अंदर ऐसे ही नहीं जब मन किया उठा के चल दिए जब मन किया लौट आए देर इज अ सीजनल मूवमेंट एक साइक्लिक पैटर्न है जो सीजनल ऑल्ट्रेशन की वजह से बन रहा है जब गर्मियां हैं तो दे आर क्लाइंबिंग हैं सर्दियां हैं तो क्योंकि बर्फ गिरेगी दे नीड टू क्लाइंब डाउन टू द वैलीज एंड द फुट हिल्स ठीक है माउंटेन्स तो देखो हमेशा पता नहीं कि मुझे कभी कभार इस बात से कोफ्त होती है जब लोग कहते हैं कि सोशल स्टडीज समझने का ही नहीं रटने का सब्जेक्ट है जरा मेरे आगे आके बात कर लें जो कहते हैं रटने का सब्जेक्ट है रटने का सब्जेक्ट कैसे है वो लोग कह सकते हैं जिनको सोशल स्टडीज ना ना कभी समझ में आई हो ना कोई समझाने वाला मिला हो ठीक है मैं शायद अपने आप को फॉर्चुनेट फील करूंगा कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे सोशल साइंस या स्पेशली हिस्ट्री इस तरह से पढ़ा दी कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि यह रटने का नहीं सबसे ज्यादा समझने का सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा व्यवहारिक है ये नेचर में इट्स इट्स वे मोर प्रैक्टिकल देन एनी अदर डिसिप्लिन सोशल साइंस कहते हैं इसे सामाजिक विज्ञान विज्ञान है ये अगर कंसेप्ट समझ लिया अब इसमें क्या, क्या ये कंसेप्चुअल नहीं है चीज कंसेप्ट समझ लिया कि क्यों मूवमेंट हो रहा है यार ट्राइब्स का बेवकूफ थोड़ा ही है जो अपना घर छोड़ना पड़ रहा है भाई ये भी तो सोच सकते हैं कि यार हम भी तो कहीं रहेंगे हम भी एक प्लॉट लेंगे मकान बनाएंगे बीवी दो बच्चा बढ़िया सेटल होके रहेंगे ये भी तो चाहेंगे ये नहीं चाह रहा है क्यों क्योंकि सीजनल मूवमेंट करना पड़ रहा है किसकी वजह से बर्फ की वजह से कि सर्दियों में पहाड़ पर बर्फ गिरेगी तो यहां कुछ नहीं रहेगा तो नीचे जाना पड़ेगा उतर के सो दे क्लाइम डाउन टू द फुट हिल्स लेकिन जब स्नो मेल्ट होगी गर्मियों में तो दो एरियाज विल बी कवर्ड विद ग्रासेस बेटर अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर जानवरों के लिए ज्यादा बड़े ग्रासलैंड अवेलेबल है ज्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल है तो जानवरों को लेकर चढ़ेंगे ऊपर लाइफ इज वेरी टफ ये हमें करना पड़ जाए ना सर दो दिन में बावले हो जाएंगे ये बहुत टफ लाइफ है हमेशा यू नीड टू लिव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इनसे सीखो यार ये सब चैप्टर्स एनसीआरटी ऐसे नहीं डाल रही है कई बार लोग कहते हैं हम क्यों पढ़े बकरवाल के बारे में हम क्यों पढ़े बंजरा बंजारों के बारे में अरे इनसे सीखो सोशल स्टडीज क्या है कहानियां ही तो हैं कहानियां पढ़ लो और इनसे मैसेज बाहर निकाल लो कि क्या कहना चाह रहा है कि कहना चाह रहा है यू नीड टू लिव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा आठ घंटा की नींद चार घंटा खेलना चार घंटा खाना कुछ नहीं मिलेगा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है तो इनको अगर अपने जानवरों के लिए और अपने लिए कुछ चाहिए तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ रहा है कंफर्ट जोन ऐसे देखिए कुछ और ट्राइब्स के बारे में अगर हम बात करते हैं माउंटेन एरियाज में ही कुछ और ट्राइब्स भी हैं जैसे कि गड्डी शेफर्ड्स ये ट्राइब देखो यार गड़ी एफर्ट्स कहां पर है ये? ये हिमाचल प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश में इसका भी इसी तरह का मूवमेंट है देखो आप विंटर्स के अंदर दे लिव इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक्स शिवालिक्स और बाय द बिगिनिंग ऑफ समर्स दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ स्पिति की तरफ लाहौल की तरफ इस वक्त अगर आप बात करेंगे स्पिति की इट्स कवर्ड विद स्नो जो लोग थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं या जो लोग थोड़ा बहुत ये एरियाज के बारे में नाम सुना है स्पीति वैली यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा विंटर्स के अंदर स्पीति वैली कवर्ड विथ कंप्लीटली कवर्ड विथ स्नो स्नो पैक्ड रहती है ये स्नो पैक्ड लाहौल स्पीति कंप्लीटली कवर्ड विद स्नो इन द विंटर्स बर्फ से ढका हुआ कंप्लीटली लेकिन गर्मियों में वेन द स्नो मेल्ट तो ये ग्रासलैंड होंगे बड़े बड़े जानवरों के लिए फुल ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है ना गड्डी शेफर्ड्स हिमाचल प्रदेश इसी तरह से अगर थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाएंगे पहाड़ियों में हिमालया थोड़ा ईस्ट की तरफ जाएंगे इन द एरियाज ऑफ गढ़वाल इन द एरियाज ऑफ कुमाऊ एक नाइन्थ में चैप्टर पढ़ा था अगर आपको याद हो एक चैप्टर हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया उस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था द हिमालया और हिमालयाज के हमने पार्ट्स पढ़े थे डिविजन पढ़े थे अलग अलग पंजाब हिमालयास कुमाऊ हिमालज नेपाल हिमालयास असम हिमालयास तो अगर आपको याद हो वहां पर हमने कहा था कुमाऊ हिमालयास फ्रॉम है ध्यान है आपको कुमाऊ हिमालयास तो कुमाऊ के एरियाज में अगर आप जाएंगे गढ़वाल एरिया में अगर आप जाएंगे वहां पर यू विल फाइंड ए ट्राइब गुजर गुजर कटल कैटल हर्डर्स यहां भी यही है देखो मूवमेंट वही हो रहा है मूवमेंट का कारण वही है कि विंटर्स के अंदर आपको नीचे आना पड़ता है देखो क्या लिखा है भाबर भाबर क्या था भाबर वॉज द फर्स्ट बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन जहां से नॉर्दर्न प्लेन्स की शुरुआत होती है वो भाबर बेल्ट है तो सर्दियों में विंटर्स में विंटर्स में ये ट्राइब कहां पे आ रही है इन द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भाबर नॉर्दर्न प्लेन क्यों क्योंकि विंटर्स में तो पहाड़ तो भैया बर्फ ढक गए हैं तो वहां कहां रहेंगे और समर्स में द क्लाइंब अप टू द हाई मीडोज बड़े बड़े ग्रासलैंड क्योंकि बर्फ पिघल जाती है गर्मियों में कुछ और ट्राइब्स भी हैं हिमालयाज में जैसे कि भूतियाज शेरपाज ये देखिए कुछ और ट्राइब्स भी हैं ये जो सभी ट्राइब्स हैं इन द हिमालयाज या इन द माउंटेन एरियाज आप चाहे जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स की बात कीजिए या हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स की बात कीजिए इन द एरियाज ऑफ गढ़वाल या कुमाओं की बात कीजिए मूवमेंट का कारण यही है प्लीज हैव अ लुक अंडरस्टैंडिंग देखो माउंटेन एरियाज के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि समर्स और विंटर्स में ये मूवमेंट हो रहा है देर इज अ अंटिन्यूस कंटिन्यूस प्लीज प्लीज मेक श्योर कि आप इस वर्ड को ध्यान रखें देर इज अ कंटिन्यूअस एंड साइक्लिकल मूवमेंट बिटवीन समर्स एंड विंटर्स पास्टर्स क्यों देखो हो क्या रहा है ये जो पास्टर्स हैं रिकवर हो जाते हैं देखो ओवर यूज नहीं हो पाता है पास्टर्स का ओवर यूज नहीं हो पा रहा है ना रिकवर के लिए टाइम मिल रहा है सिर्फ एक ही जगह पर कन्फाइंड नहीं है ना दे आर नॉट कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेस जब सर्दियां हैं तो लो हिल्स के अंदर आ गए गर्मियों में ऊपर चले गए तो जो लो हिल वाला एरिया था वैलीज वाला एरिया था वो रिकवर हो जाएगा फिर यहां वापस आ जाएंगे ठीक है ना तो माउंटेन्स के अंदर ये ट्राइब्स का मूवमेंट है मूवमेंट का कारण क्या है स्नो सीजनल ऑल्ट्रेशन मौसम में बदलाव की वजह से या बर्फ गिरने की वजह से ये माइग्रेशन हो रहा है इट्स अ सीजनल माइग्रेशन है ना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में क्लियर होनी चाहिए अब चाहे वो गुज्जर बकरवाल की बात करें एग्जाम के अंदर चाहे वो गड्डी शेफर्ड्स की बात करें चाहे वो भूतियाज की बात करें चाहे वो गुज्जर कैटल हर्डर्स की बात करें आपके दिमाग में जो ये पहली बात तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये ट्राइब्स जो हैं ये माउंटेन एरियाज के ट्राइब हैं इतनी समझ तो बेसिक होनी चाहिए कि हाँ अगर वो गुजर बकरवाल की बात कर रहा है तो मुझे इतना तो याद है कि गुजर बकरवाल एक पहाड़ों की ट्राइब थी अब जब पहाड़ों की बात आएगी तो दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहनी चाहिए कि हाँ जब पहाड़ों की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ों में तो बर्फ़ का सीन रहेगा तो इसका मतलब सर्दियों में जब बर्फ गिरेगी तो ट्राइब्स नीचे उतर आएंगी अपने जानवरों को लेकर फुट हिल्स में आ जाएंगी वैलीज़ में आ जाएंगी घाटियों में आ जाएंगी क्योंकि वहां पर कुछ अवेलेबल रहेगा जानवरों के लिए लेकिन गर्मियों में जब जब बर्फ पिघल जाएगी तो ट्राइब्स वापस पहाड़ों में चढ़ जाएंगे ऊपर बड़े बड़े ग्रास की तरफ जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है टू तो गेट बेटर न्यूट्रिशन फॉर देर एनिमल्स है ना तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं लेट्स लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एंड डेजर्ट्स थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं पहाड़ों से हटते हैं प्लेन्स की तरफ आते हैं डेजर्ट्स की तरफ आते हैं अब यहां का हम थोड़ा सीन समझते हैं देखिए फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र की एक ट्राइब है ढंगर ये महाराष्ट्र के इलाकों की ट्राइब है ठीक है छोटी मोटी ट्राइब नहीं है ऐसा माना गया है और कुछ डेटास भी ये कहते हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस ट्राइब की पॉपुलेशन साढ़े चार लाख से ज्यादा थी यू कैन सी द नंबर तो कोई छोटी मोटी ट्राइब नहीं है इट्स नॉट अ स्मॉल ट्राइब ये कोई हम कोई सौ दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं साढ़े चार लाख जिस ट्राइब की पॉपुलेशन इट्स इट्स अ लार्ज ट्राइब तो महाराष्ट्र के इलाके की ट्राइब है ढंगर अभी जो ढंगर है देखिए ज्यादातर लोग तो शेफर्ड्स हैं है ना ज्यादातर लोग शेफर्ड्स हैं या बफलो हर्डर्स हैं कुछ लोग इनमें से ब्लैंकेट वीवर्स भी हैं देर आर फ्यू पीपल इन दिस ट्राइब जो ब्लैंकेट वीवर्स भी हैं कंबल बनाने का और बेचने का काम कर लेते हैं ठीक है अब देखो मूवमेंट का कारण समझिएगा यहां पर अब यहां तो बर्फ नहीं पड़ेगी महाराष्ट्र में या सेंट्रल या डेकन प्लेट्यू के एरियाज में यहां तो कोई बर्फ का कारण नहीं है तो यहां पर जाहिर सी बात है अगर माइग्रेशन हो रहा है तो कोई ना कोई कारण तो होगा आदमी का दिमाग खराब नहीं है कि अपना घर बार छोड़कर घर बस्ती परिवार छोड़कर कहीं माइग्रेट कर रहा है कोई कारण तो रहेगा वो कारण समझते हैं यहां पर देखिए मॉनसून के टाइम पे क्या होता है अब देखो ये वो एरिया है जो बारिश के लिए बहुत प्रोन है यहां पर बड़ी अच्छी मानसून रहेगा बड़ी अच्छी बारिश होगी ड्यूरिंग मानसून देखो अगर हम अगर हम डकन प्लेट्यू की बात करें या महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू वाले एरिया की हम बात करें ये वो एरिया है जो बहुत ज्यादा मॉइस्ट नहीं है ये सेमी ड्राई या सेमी एरिड एरिया है यहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है सॉयल भी बहुत अच्छा नहीं है, है ना भाई प्लेट्यूज आर नेवर नोन फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए कोई बहुत खास नहीं होते हैं प्लेट्यूज हिंदी में कहेंगे पठार तो जो ये केंद्रीय पठार वाला इलाका है इसको ये यूज करेंगे बाजरे के लिए अब बाजरा ऐसी फसल है ऐसा क्रॉप है जो ये पुअर सॉइल पे और बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट से उग जाता है बाजरा की सबसे अच्छी बात यही है कि इसकी रेनफॉल रिक्वायरमेंट बहुत कम है इसको बहुत ज्यादा इंटेंसिव केयर की जरूरत नहीं है इसको बहुत ज्यादा इनपुट्स की जरूरत नहीं है ये आराम से उग जाता है कम फर्टाइल लैंड पर और कम पानी के साथ तो ऐसे एरिया में ये ट्राइब्स जो है बाजरा बाजरा लगा देती है अब देखिए बाय अक्टूबर बाजरा को हार्वेस्ट किया जाएगा और ये ट्राइब्स वेस्ट की तरफ मूव करेंगे और पहुंचेंगी कॉन्कंड वेस्टर्न कोस्ट की तरफ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ये ट्राइब्स पहुंचेंगी ठीक है ये वो एरिया है जहां पर बारिश बहुत अच्छी होती है सॉइल भी बहुत अच्छी है मिट्टी बहुत अच्छी है ठीक है मिट्टी बहुत अच्छी है यहां पर खेती वेती बहुत अच्छी होती है यहां पर हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है इस वक्त तक खरीफ की फसल कट चुकी होती है देखिए अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं बाय दिस टाइम खरीफ की जो फसल होती है ना खरीफ क्रॉप्स खरीफ खरीफ क्रॉप इस वक्त तक उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है दे आर हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर बाय अक्टूबर इस वक्त तक खरीफ की फसल की हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है हार्वेस्टिंग के बाद कौनकन एरिया के जो किसान हैं वो ढंगर ट्राइब का वेट कर रहे होते हैं कि वो लोग कब आएंगे उसके दो कारण हैं। ये जो किसान हैं ये अपने खेत में ढंगर ट्राइब्स के जानवरों को छोड़ देते हैं कि अपने जानवरों को हमारे खेत में छोड़ दो एक तो खेत में स्टबल होता है स्टबल समझते हैं स्टबल का मतलब होता है फसल की कटाई के बाद जो रिमेन्स बच जाते हैं जमीन के अंदर हार्वेस्टिंग होती है ना तो फसल को काटा जाता है फसल को काटने के बाद आपने ऊपर वाला पार्ट तो रख लिया जो नीचे पार्ट जमीन में बच गया है वो भी तो हटाना है ना अगली खेती करने के लिए रबी की फसल के लिए तो उसको कहते हैं स्टबल उसको ये खा जाते हैं ये जानवर हैं ये उसे खा जाते हैं तो जानवरों को चारा मिल गया और दूसरा जब जानवर घूमेगा खेत में कई दिनों तक तो वही खेत के अंदर पॉटी वोटी करेगा करेगा यार तो जो एनिमल डंग है, है ना जो जानवर की पॉटी है जो उसका वेस्ट है इट विल एक्ट एज मैन्योर फॉर द फील्ड वो खेत में मैन्योर का, का काम करेगा खाद का, का काम करेगा मैन्योर क्या समझ है यार मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि समझदार होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही होना चाहिए इंसान पढ़े लिखे गंवार भी होते हैं पढ़े लिखे नासमझ लोग भी होते हैं तो समझ होने के लिए पढ़ना लिखना ही कोई जरूरी नहीं है यहां देखो समझ क्या कॉम्बिनेशन बिठाया है क्या कॉम्बिनेशन है मतलब बार्टर सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल कि जो ढंगर ट्राइब के एनिमल्स हैं जो कैटल्स हैं उनके उनको छोड़ देते हैं अपने खेतों में तो चारा मिल गया इनको तो चारा मिल गया जानवरों के लिए और उनको जानवरों से खाद मिल गई और बदले में अब बदले में क्योंकि आपने अपने जानवर छोड़े हैं अपने हमारे खेत में तो बदले में कुछ उनको ग्रेन्स भी दे देते हैं ढंग ट्राइब के लोगों को कि चावल वावल रख लो है ना चावल वावल जैसे ग्रेन उनको देते हैं कि ये रख लो इन रिटर्न क्यों क्योंकि एक्चुअली में जो सेंट्रल प्लेटू वाला इलाका है यहां पर तो ज्यादा बारिश होती नहीं है ना यहां पर मिट्टी अच्छी है तो यहां पर तो चावल होने से रहा इनके पास चावल होता है कौन एरिया के अंदर बारिश बहुत अच्छी होती है मिट्टी बहुत फर्टाइल है तो उनको बदले में कुछ चावल भी दे देते हैं कि ये लो ले जाओ तुम्हारे वहां पर अब सूखा पड़ेगा तो चावल खाना थोड़ा बाजरा तुमने लगा लिया था चावल हम दे दे रहे हैं तुम्हारा काम चल जाएगा मूवमेंट मूवमेंट इन सर्च ऑफ बेटर पास्चर्स है ना ये समझना बहुत जरूरी है इसी तरह से इसी तरह से जब आप महाराष्ट्र से निकलकर कुछ कर्नाटक के इलाकों की बात करते हैं या आंध्र प्रदेश के इलाकों की बात करते हैं यहां पर भी इस तरह से है इन द एरियाज ऑफ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यहां पर भी अगर हम देखो अगर हम सेंट्रल प्लेटो के इलाके की बात करें केंद्रीय केंद्रीय के इलाकों की बात करें इस एरिया में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत घास फूस और ज्यादा पत्थर ही मिलेंगे है ना इस एरिया के अंदर आपको कुछ और ट्राइब्स मिलेंगी जैसे, जैसे कैटल हर्डर्स, हर्डर्स मवेशी चराते हैं है चरवाहे होते हैं मवेशियों को चराते हैं you will, you will भेड़ रखना बकरी रखना थोड़ा बहुत ब्लैंकेट वीविंग भी करते हैं कंबल वम्बल बनाते हैं कंबल बेचते हैं है ना छोटा मोटा कुछ और काम भी कर लेते हैं ऐसी ट्राइब्स आपको मिलेंगी अब यहां पर आप नोटिस कीजिएगा कि जो मूवमेंट हो रहा है चाहे हम महाराष्ट्र में बात कर रहे थे ढंगर्स के बारे में या हम इन ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं चाहे गोलाज हो कुरमाज हो कुरबाज हो यहां पर जो मूवमेंट है अगेन द मूवमेंट इज सीजनल मॉनसून और ड्राई सीजन के बीच में देख रहे हो यहां पर भी एक मूवमेंट है वो मूवमेंट भी सीजनल लेकिन यहां पर वो समर्स विंटर्स वाला मूवमेंट नहीं है जो पहाड़ों में था यहां पर ये मूवमेंट मॉनसून और ड्राई सीजन वाला है है ना देखो जब जब ट्राइब्स बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करती है तो जानवरों के लिए मुश्किल है स्पेशली भेड़ के लिए शीप के लिए भेड़ के लिए बहुत ज्यादा बारिश अच्छा नहीं है या बहुत ज्यादा स्वाम्पी एरिया में रहना दलदली इलाकों में रहना कोई कैटल्स के लिए अच्छा नहीं है एक्सेप्ट फॉर बफलो भैंस के अलावा जो बफलो हर्डर्स हैं उनको तो चल जाता है तो जब सेंट्रल प्लेटों के इलाके में रह रहे हैं तो वहां पर बाजरा लगा लिया बाद में चले गए कॉनकर्ण एरिया में वहां पर मॉनसून सीजन जा चुका है बारिश हो चुकी है खरीफ की फसल की कटाई हो चुकी है द खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड तो जो स्टबल बचा है जो क्रॉप के रिमेन्स बचे हैं कैटल्स विल फीड ऑन देम द फील्ड विल बी मेन्योर्ड द कैटल्स और बदले में दे विल गेट सम फूड ग्रेन्स लाइक राइस है ना अगेन दे विल कम बैक टू सेंट्रल प्लेटू तो ये जो मूवमेंट है अगेन द मूवमेंट इज सीजनल इन नेचर सीजनल सीजनल मूवमेंट है ठीक है ना इसी तरह से हमारे पास कुछ और ट्राइब्स भी हैं जैसे कि बंजाराज जिस आम भाषा में आपने ये नाम बहुत सुना होगा कि ये तो बंजारे हैं बंजारा जो कम्युनिटी है जो ट्राइब है ये जनरली नॉर्दर्न इंडिया के इलाकों में उत्तरी भारत के इलाकों में देखी जाती है जैसे कि उत्तर प्रदेश में राजस्थान में थोड़ा सा पंजाब और मध्य प्रदेश में इन स्टेट्स के कुछ एरियाज़ में यह ट्राइब जो है देखी जाती है बंजारा ठीक है ना बंजारा ट्राइब बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करती है दे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस किस खोज में इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स फॉर देर कैटल्स अपने जानवरों के लिए उनको बेहतर उनको चरने के लिए बड़े ग्रासलैंड्स मिले मिलें मिले उस सर्च में ये कई कई दूर जाते हैं है ना कुछ सामान बेच लेते हैं हाथ से बनाकर हमारे एरियाज में भी जो बंजारे होते हैं हाथ से सामान बना लेते हैं बहुत सारी बंजारा ट्राइब्स ऐसी हैं जो हाथ से झाड़ू वाड़ू बना लेती हैं बास्केट बना लेती हैं उनको बेच लेती हैं या मिट्टी से बने हुए खिलौने बना के बेचते हैं या आजकल तो नया चला है मिट्टी या थोड़ा बहुत पीओपी से भगवान की मूर्ति बनाते हैं बच्चों के खिलौने या फूलदाना फ्लावर वास वो बना लेते हैं उसको पेंट भी करते हैं उसको बेच लेते हैं बदले में पैसा मिल जाता है फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं कुछ कपड़े वपड़े मिल जाते हैं तो ये उनका मोड ऑफ सर्वाइवल है बट कंटिन्यूसली मूव करता रहना पड़ेगा इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटर पास फॉर देयर कैटल जहां जानवरों के लिए क्योंकि एनिमल रियरिंग या एनिमल हजबेंड्री पशुपालन ये उनका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल है पशुपालन करना जहां रहेंगे जानवर साथ रहेंगे और जानवरों में जनरली ये देखा गया है बंजारा ट्राइब्स के लिए जनरली जानवरों में भेड़ बकरी और ऊंट होते हैं ऊंट तो चलिए हम डेजर्ट एरियाज की बात करेंगे तो वहां होते हैं जनरली बंजारा ट्राइब्स के पास आपको भेड़ बकरी मिलेंगे उसके भी कई रीजनस है मतलब ये इजी टू गो एनिमल्स हैं इनको रखना इनका पालन करना आसान है इनकी रिक्वायरमेंट्स कम है इनके लिए चारा आसानी से मिल जाता है गाय को चारा बहुत प्रॉपर चाहिए हरा चारा चाहिए हरा चारा नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी उसका रख रखाव महंगा है मुश्किल है बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक ले जाना मुश्किल है कई सारी गाँव गायों को आप भेड़ बकरियों को देखिए एक साथ एक पूरा फ्लॉक चलता है पचास साठ सौ बकरियां एक साथ पचास साठ सौ भेड़ एक साथ चलते हैं और गडरिया ले एक गडरिया लेके जा रहा होता है सबको ठीक है ना अब इसी बंजारा ट्राइब्स में एक ट्राइब है रायका ये नाम ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है राइका. ये जो राईका ट्राइब है ये बेसिकली रेगिस्तान की ट्राइब है राजस्थान में वेस्टर्न राजस्थान में जिसको आप थार डेजर्ट कहते हैं थार का मरुस्थल कहते हैं ना इस थार में, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है राइका ये जो राइका ट्राइब है ये ज्यादातर भेड़ बकरी रखते हैं गोट्स एंड शीप्स है ना बीकानेर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर ये जो इलाके हैं ना देखिए जनरली क्या है कि मानसून के वक्त पे तो ये जनरली झोपड़ियों में और अपने या फिर अपने होम विलेजेस में रहती है जब आप मानसून की बात करेंगे दिस ट्राइब रिमेन्स इन देयर होम विलेज है ना बाड़मेर के इलाके में जोधपुर जैसलमेर बीकानेर के इलाके में बेटा ये वो जिले हैं दीज आर दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जिसको आप थर्ड डेजर्ट समझते हैं पूरा राजस्थान थर्ड डेजर्ट नहीं है जनरली लोगों को लगता है कि राजस्थान का मतलब डेजर्ट ऐसा नहीं है पूरा का पूरा राजस्थान कोई डेजर्ट नहीं है है ना ये अरावली रेंज है अरावली के इस तरफ कोई डेजर्ट नहीं है अरावली के इस तरफ डेजर्ट है ये डेजर्ट वाला एरिया है और यहां पर ही है ये जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर यहां पर नहीं है यहां पर तो उदयपुर राजसमंद कोटा पाली ये सब पड़ता है तो पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है बेटा ठीक है तो मॉनसून के टाइम पर दीज दिस ट्राइब रिमेंस इन देयर होम विलेज लेकिन बाय अक्टूबर बाय अक्टूबर अब इनको निकलना पड़ता है क्योंकि अब ड्राई सीजन आ गया है जो पास्चर्स अवेलेबल थे आसपास वो खत्म हो चुके हैं देखो मॉनसून के सीजन में क्या होगा घास उग जाएगी आसपास के इलाकों में तो होम विलेज में रहकर काम चल जाएगा जैसे ही मानसून खत्म हो जाएगा आप ड्राई विंटर्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उस इलाके का जो पास्चर कवर है वो खत्म हो जाएगा वैसे भी डेजर्ट एरिया है वेजिटेशन कवर बहुत पुअर है यहाँ पर अब इनको ट्रेवल करना पड़ेगा इन सर्च ऑफ बेटर पास्चर्स इन सर्च ऑफ वॉटर एज वेल यहाँ पर एक और चीज की तलाश रहती है पानी जानवरों के लिए पानी का सोर्स क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है हिंदी में कहते हैं मरुस्थल या मरुभूमि मरुस्थल डेजर्ट दूर दूर तक पानी का सोर्स नहीं है तो इन सर्च ऑफ वॉटर एज वेल है ना अगले मॉनसून तक घर लौट के वापस आ जाएंगे ठीक है ना रायकाज में ही एक ग्रुप है जिसे कहते हैं मरु रायकाज देखो मैंने कहा ना मरु मरुस्थल का मतलब ही डेजर्ट होता है रायकाज वो ग्रुप है जो कैमल रियरिंग करता है ऊंट रखते हैं ये ऊंट कैमल्स ये मरु रायकाज कहलाते ठीक है तो राजस्थान के डेजर्ट एरियाज में आपको ये मिलेगा ठीक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जब हम पेस्टलिज्म की बात करते हैं देखिए हिंदुस्तान में पेस्ट्रलिस्ट कम्युनिटी काफी परेशान हुई है कई सालों तक और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कोलोनियल रूल अंग्रेजों का जो शासन रहा अलग अलग कम्युनिटीज बहुत परेशान हुई इंक्लूडिंग फार्मर्स और इसी लिस्ट में ये बंजारे भी आते हैं अंग्रेजों के बनाए हुए कानून उनके बनाए हुए लॉज ने इन्हें भी नहीं छोड़ा देखो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाहती थी जब हम कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करते हैं वो चाहते थे कि जितने भी बड़े बड़े पास्टर लैंड्स हैं जो चरने के इलाके हैं जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए कल्टीवेबल लैंड्स में एग्रीकल्चरल लैंड्स में क्यों क्योंकि खेती अगर होगी तो वहां से लैंड रेवेन्यू मिलेगा देखो जो लैंड रेवेन्यू था वो अंग्रेजों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस था अब पास्टर लैंड से कुछ पैसा मिलेगा नहीं तो उन्होंने कहा कि जितने भी पाश्चर लैंड हैं इनको कन्वर्ट कर दिया जाए खेती बाड़ी करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड में यहां पर जब खेती होगी तो हमें लैंड टैक्स मिलेगा लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हमारी इनकम बढ़ेगी है ना इट विल इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड इवन इंग्लैंड में और न केवल इंग्लैंड में पूरे यूरोप में ज्यादा एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल की जरूरत थी there was requirement of requirement of more agricultural raw materials in europe यूरोप में ज्यादा एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल की जरूरत थी तो ज्यादा खेती करवानी पड़ेगी ज्यादा कपास चाहिए ज्यादा गेहूं चाहिए ज्यादा जूट चाहिए तो उन्होंने कहा कि ये जितना भी एरिया खाली पड़ा है ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है ये हमारे किसी काम का नहीं है ना तो इस पे खेती हो रही है ना इससे हमें कोई सामान मिल रहा है और ना इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये जमीन बेकार है द लैंड वॉज कंसिडर्ड दैंड लैंड यार ये तो बेकार है हमारे लिए तुम्हारे जानवर चरते हैं चरते होंगे हम क्या करें उससे अरे बोला हुजूर हमारे जानवर इस जमीन पर चढ़ते हैं तुम्हारे जानवर हमारे लिए ये जमीन किस काम की है हमारे लिए क्या है ये जमीन वेस्ट लैंड है बोले क्या करें बोले करना क्या है नाइनटीन सेंचुरी में वेस्ट लैंड रूल्स को इंप्लीमेंट किया गया वेस्ट लैंड रूल्स ये वेस्ट लैंड रूल्स क्या था जैसे जैसे ये वेस्ट लैंड रूल्स इंप्लीमेंट हुए वैसे वैसे ये लैंड्स को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने लगे ये खेती करो इनके ऊपर कोई घास वास नहीं चाहिए जानवरों के लिए वेस्टलैंड रूल्स और धीरे धीरे इन द सेम सीरीज जैसे जैसे कॉलोनियल पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लगी फॉरेस्ट एक्ट वॉज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड फॉरेस्ट एक्ट अगर आपको याद हो हमने पहले भी बात की है कि भारत के जंगलों को विभाजित कर दिया और तीन पार्ट में उनको कैटेगराइज कर दिया कुछ ऐसे फॉरेस्ट कवर थे जो कमर्शली बहुत इंपॉर्टेंट थे कमर्शियली उनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा थी उनके अंदर देवदार और साल जैसे पेड़ थे जिनका कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा था ऐसे जंगलों को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट और यह कह दिया कि इन जंगलों में किसी भी ट्राइब का आना मना है इन जंगलों को क्या कह दिया कि रिजर्व फॉरेस्ट अरे जंगल तो पेस्टल कम्युनिटी कम्युनिटीज के लिए उनका तो लाइफस्टाइल था उनको कह दिया कि अब से जंगल में ही नहीं जाना है तुम्हें दूसरा कैटेगरी बोला कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है अदर फॉरेस्ट वर नोन एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखो अंग्रेजों का कहना क्या था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का यह कहना था कि ग्रेजिंग करने से जमीन खराब होती है बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग जो जमीन पर जो पेड़ उगने वाले हैं उनके जो छोटे छोटे पौधे हैं सैपलिंग्स हैं या जो छोटे पौधे हैं वो ग्रेजिंग से और जानवरों के पैरों से खराब हो जाते हैं इसलिए ग्रेजिंग करना बंद करवा दिया उन्होंने कहा कि अगर इन जंगलों में जाना है तो आपको एक परमिट की जरूरत है पहली बात तो परमिट मिलता नहीं था दूसरी बात जब यह परमिट मिलता था तो इस परमिट पर जंगल में जाने का समय जंगल से बाहर आने का समय जंगल में क्यों जाना है वो रीजन वो सब कुछ स्पेसिफाई किया जाता था दीज परमिट्स तो पेस्ट्रल कम्युनिटीज जो पहले फ्री मूवमेंट करती थी अब वह मूवमेंट फ्री नहीं था और मुश्किल हो गया है कि कैसे जंगल में जाए क्या काम करें क्या जंगल से लें क्या न लें समझ रहे हैं और ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनका तो यह मानना था दे वेरी स्ट्रॉन्गली अग्रीड कि ये जो नोमैटिक ट्राइब्स हैं दे आर वाइल्ड एंड सैवेज और बहुत सारे ट्राइब्स को तो शक की निगाहों से देखते थे दे हैड अ अस्पिशियस आई ऑन दीज नोमैटिक ट्राइब्स दे देर सस्पिशियस ऑफ दीज पीपल वो कहते थे कि यार इन लोगों का ना तो घर है ना कोई सेटलमेंट है ना कोई खेत है ना गाँव है इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें देवर ट्रस्टेड on these mobile craftsmen as per them mobile craftsmen uh, pastoral traders बोले इन बंजारों पर हम क्या यकीन करें ये तो यहां से उठाकर वहां चल दिए वहां से उठाकर वहां चल दिए कल को कुछ कर देंगे तो हम कहां पकड़ने जाएंगे इनको इनका ना घर है ना दुकान है ना मकान है ना खेत है ना खलियान है हम इन्हें कहां ढूंढने जाएंगे इनका नाता है ना पता है आज यहां है कल कहीं और हैं they were always suspicious ऑन दीज ट्राइब्स और दूसरी बात अंग्रेज तो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन सेटल्ड हो पॉपुलेशन सेटल्ड हो फिक्स जगह पर रहे फिक्स उनके अधिकार हो अपने अपने खेतों पर क्योंकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना बड़ा आसान था तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली इन 1871 सेवेंटी वन ब्रिटिश गवर्नमेंट केम आउट विथ समथिंग नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये तो हद हो गई थी यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट उन्होंने कुछ कम्युनिटीज को क्रिमिनल घोषित कर दिया कि हमें इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है उसमें ये पेस्टलिस्ट थे ट्रेडर्स क्राफ्ट्समैन थे उनका ये मानना था कि ये जो ट्राइब्स हैं क्रिमिनल ट्राइब्स हैं दे आर क्रिमिनल्स बाय नेचर एंड बाय बर्थ इन पर हम कैसे भी विश्वास नहीं कर सकते और विदाउट परमिट इनका मूवमेंट अलाउड नहीं कर सकते दे वर नॉट अलाउड टू मूव इन एंड मूव आउट विदाउट अ परमिट उनके ऊपर कंटिन्यूअस पुलिस का वॉच रहता था कंटिन्यूस वॉच दे रिक्वायर्ड अ परमिट अ परमिट वॉज रिक्वायर्ड बाय देम फॉर देयर मूवमेंट परमिट और बाद में इन द नाइनटीन सेंचुरी दे ऑल्सो केम आउट विथ समथिंग नोन एज ग्रेजिंग टैक्स ग्रेजिंग टैक्स की अगर तुम्हारे जानवर अगर अभी भी तुम सेटल नहीं हो रहे हो तुम खेती बाड़ी नहीं कर कोई बात नहीं हम ग्रेजिंग टैक्स लगाते हैं अगर तुम्हारे जानवर चरेंगे हर जानवर के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा कर वसूला जाएगा उसे कहा गया ग्रेजिंग टैक्स क्या था ये ग्रेजिंग टैक्स देखो बड़ा आसान है गवर्नमेंट ने तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया था टैक्स वसूलने के लिए ये ये कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे ये बंजारों से ट्राइब से ट्राइब बड़ा अच्छा टैक्स लेते थे बड़ा हाई टैक्स वसूलते थे और उसमें अपना प्रॉफिट भी निकालते थे जो पैसा सरकार को देना है वो दे देते थे और बाकी पैसा उनका प्रॉफिट होता था लेकिन आफ्टर दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बाद में इन कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद सरकार ने डायरेक्टली टैक्स लेना शुरू कर दिया अब तरीका क्या था कि जब ग्रेजिंग एरिया में या लैंड में जाना है तो आपको एक पास की जरूरत है और उस पास पर यह मेंशन किया जाएगा कि कितने जानवर हैं हेड काउंट क्या है दस बकरियां हैं बीस भेड़ हैं दो गाय हैं जानवर गिने जाएंगे और हर जानवर के लिए एक टैक्स आधारित था उसके हिसाब से एक टैक्स का वैल्यू लिखा जाएगा जो उस व्यक्ति को पे करना होगा और सो द कैटल हेड्स द नंबर ऑफ कैटल हेड्स एंड द अमाउंट टू बी पेड एज टैक्स इट वॉज एंटर्ड ऑन द पास इट वॉज रिटर्न ऑन द पास वो जो पास दिया जाएगा ग्रेजिंग लैंड में एंटर करने से पहले बताओ जानवरों को चराने के लिए पैसा देना पड़ेगा किस बात का पैसा जमीन हमारी देश हमारा जानवर हमारे जमीन पर उगने वाली घास हमारी और टैक्स तुम लोगे बटी हो रहा था तो कॉलोनियल पॉलिसीज ने पेस्टोरल ट्राइब्स के लाइफस्टाइल को भी बहुत ज्यादा ऑल्टर किया बहुत ज्यादा तो जब हम पेस्टलस्ट की बात करते हैं देखिए ऑफ कोर्स इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा कि कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से ज्यादा से ज्यादा पास्टोरल लैंड्स को कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड्स में जिसकी वजह से चारे की पाश्चर की कमी हो गई वॉज एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ पास्चर्स इसकी वजह से मजबूरी थी जब पास्चर्स की कमी हो गई तो थोड़ा सा एरिया बचेगा चरने के लिए ग्रेजिंग के लिए तो इंटेंसिव ग्रेजिंग होगी इंटेंसिव ग्रेजिंग जिसकी वजह से पास्चर लैंड रिकवर नहीं कर पाएगी और पास्चर्स की क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी अच्छा दूसरी तरफ क्योंकि चारे की कमी हो गई है पाश्चर की कमी हो गई है तो जानवर भी मरने लगेंगे एनिमल्स गॉट अंडर फेड दे गॉट मैल न्यूट्रिशन एंड दे भूखे मरने लगे जानवर खैर इस देश में तो इंसान भूखे मर रहे थे जानवरों के लिए सरकार के पास कहाँ टाइम था आई स्टिल रिमेंबर एक किताब में पढ़ रहा था हिस्ट्री को लेकर जिसमें एक वाक्य था कि जब हिंदुस्तान में स्पेशली बंगाल के इलाकों में भूखमरी फैली हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में भूखे मरने लगे सो द ब्रिटिश ऑफिशियल्स रोट लेटर्स टू देन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल कि यहां पर साफ खाने की कमी हो गई है लोग भूखे मर रहे हैं यहां पर हाहाकार मचा हुआ है तो वो जो रिपोर्ट यहां से भेजी गई थी विथ डिटेल्स ऑफ द पीपल डाइंग इन इंडिया तो विंस्टन चर्चल वेरी डेलिबरेटली रोट ऑन द कॉर्नर ऑफ दैट फाइल इफ सो मैनी इंडियन वाई गांधी डाइडी अगर इतने हिंदुस्तानी भूखे मर रहे हैं भूख की वजह से मर रहे हैं खाने की कमी की वजह से मर रहे हैं तो अभी तक गांधी क्यों नहीं मरा है ये लिखा गया उस फाइल पर बाई देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विंस्टन चर्चल देश में तो ये हालात थे भूखमरी के गरीबी के तो जिस देश में इंसान भूखे मर रहे थे जानवरों के लिए सरकार के पास कहाँ टाइम था और खैर हालात आज भी बहुत अच्छे तो नहीं हैं कभी कभार तो इट्स वेरी आइरोनिकल टू से एंड इट इज आयरॉनिकल कि अरबों का आईपीएल उस देश में खेला जाता है जहाँ करोड़ों बीपीएल बसते हैं अरबों का आईपीएल उस देश में खेला जाता है जहां करोड़ों बीपीएल बसते हैं। तो पास्टर्स पास्टर्स की की कमी हो गई, क्वालिटी गिरने लगी जानवर भूखे मरने लगे तो जिंदगी तो खैर बहुत मुश्किल हो ही गई थी कुछ ट्राइब्स इन चेंजेस को धीरे धीरे इस डिसरप्शन को फेस कर रही थी और सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी देखिए क्योंकि पास्चर्स की कमी हो गई तो बहुत सारी ट्राइब्स ने नंबर ऑफ एनिमल्स भी कम कर दिए नंबर ऑफ कैटल्स भी कम कर दिए कुछ लोगों ने नए पास्क ढूंढने की कोशिश की कुछ ट्राइब्स चोरी छिपे ऐसे एरियाज को ढूंढने निकल पड़ी जो नए पास्चर्स जो अभी तक अंग्रेज नहीं जानते हैं ऐसे एरियाज बहुत है जो अंग्रेजों की नजर से दूर थे कुछ ऐसे पास्चर्स को ढूंढने निकल गए 1947 में 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट पार्टीशन इनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग अलग हो गई तो इस इलाके में जो ट्राइब्स थी जैसे कि रायकाज अब ये जो रायकाज थी ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जा सकते थे है ना ऑन दैंक्स ऑफ इंडस अब क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हो गया तो अब ये रायकाज जो है ये सिंध के इलाके में अब ये यहां से वहां नहीं जा सकते थे दे देवर नाव कन्फाइंड टू दिस पार्ट है ना दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स हरियाणा हरियाणा की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया वहां पर बेटर ऑप्शंस थे कि जब खेती हो जाती है तो जो बचे हुए स्टबल हैं, उस पर हमारा जानवर खा लेगा एनिमल्स द कैटल्स विल विल फीड ऑन द स्टबल ऑफ द क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ हरियाणा एंड द फील्ड विल बी मेन्योर्ड जो हम ढंगर के बारे में बात कर रहे थे पहले है ना देखिए कुछ ट्राइब्स ऐसी थी कुछ पेस्ट्रल्स ऐसे थे जो थोड़ा सा पैसे से बेटर थे Some rich pastoral वर इन्होंने जमीन खरीद ली दे बॉट लैंड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन दे स्टार्टेड फार्मिंग दैक्टिसिंग एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया ब्याह शादी कर लिया बच्चे बच्चे हो गए जमीन खरीद लिया घर बना लिया खेती करने लग गए एक बेटा एक बेटी हम दो हमारे दो सेटल हो गए है ना दे बिकेम सेटल्ड फार्मर सेटल्ड मैंने कहा ना जैसे ही सेटल्ड हो गए वैसे ही नोमैडिज्म खत्म नोमैडिज्म तो बिलीव ही करता है अनसेटल्ड में कि आपका कंटिन्यूस माइग्रेशन होगा लेकिन अब ये सेटल्ड हो गए जो बेचारे गरीब थे उनके पास जमीन वमीन खरीदने का पैसा नहीं था दे बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स के भैया थोड़ा पैसा हमें दे दो उस चक्कर में कर्जा वर्जा हो गया जो थोड़ा बहुत कैटल्स थे पशु थे वो भी चले गए या तो मर गए या कर्जे में डूब गए दे बिकेम लैंडलेस लेबरर्स ये खेती हर मजदूर बन गए लैंडलेस लेबरर्स लैंडलेस समझ रहे हो ना तो आप देखोगे कि बहुत सारे ट्राइब्स ने कैसे ना कैसे करके कोशिश की है कि हम सरवाइव तो करें जब पास्टर्स बंद हो गए जब पास्टर लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड में या ग्रेजिंग टैक्स लिया जाने लगा या इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया किसी भी रीजन से पास्टर लैंड की कमी हो गई तो या तो नए पास्टर लैंड्स को ढूंढने निकल गए दे स्टार्टेड सर्चिंग इन अ न्यू डायरेक्शन अपने मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया या एनिमल्स का नंबर कम कर दिया दे रिड्यूस्ड द साइज ऑफ देयर हर्ड जानवर कम कर दिए या फिर पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ साथ कुछ और सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू कर दिया सो दैट दे कैन एक्चुअली सर्वाइव इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड दे कैन कोप अप विद द चेंजेस इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ठीक है, चलिए तो अब बात आती है ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं देखिए अफ्रीका उन कॉन्टिनेंट्स में से रहा है जहां पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज भी किसी ना किसी रूप में पेस्टरलिज्म पे निर्भर है या पेस्टरलिज्म प्रैक्टिस करती है या दैट इज इट्स सोर्स ऑफ इनकम अफ्रीका एक बहुत लंबे समय तक इस कॉन्टिनेंट में गरीबी रही है भुखमरी रही है लैक ऑफ एजुकेशन रहा है लैक ऑफ अवेयरनेस रही है और कॉलोनियल रूल रहा है सबसे बड़ी बात यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे विच इज मसई कम्युनिटी देखिए ये जो मसई कम्युनिटी है ना ये ट्राइबल कम्युनिटी है ये मसई कम्युनिटी ज्यादातर ईस्ट अफ्रीका के इलाके में है अगर थोड़ा पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करें तो लगभग तीन लाख थ्री लाख मसई पीपल द लिव इन सदर्न कीनिया साउथ कीनिया में रहते हैं एंड अराउंड 1.5 पॉइंट फाइव लाख पीपल ऑफ मसई कम्युनिटी लिव इन तंजानिया ठीक है अब थोड़ा सा मसई को समझते हैं और मसई लैंड के इलाके को समझते हैं ये जो मसई लैंड का इलाका है ना मसई कम्युनिटी नॉर्दर्न कीनिया और नॉर्दर्न तंजानिया का इलाका नॉर्दर्न कीनिया से लेकर नॉर्थ तंजानिया ये पूरा इलाका मसई लैंड था ठीक है 1885 1885 ये वही ईयर है ये वही साल है जब हिंदुस्तान में भी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था नेशनलिज्म का जन्म हुआ था और यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ये वही साल है 1885 में अफ्रीका में यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स या यूरोपियन इंपीरियल पावर्स ने ये फैसला किया कि मसाई लैंड को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे अफ्रीका को लेकर देखो अफ्रीका दोज हुर सिटिंग इन एफ्रीका रूलिंग अफ्रीका उनको पता था कि बहुत बड़ी रिसोर्सिस पर हम बैठे हैं स्लेव्स अफ्रीका वॉज फुल ऑफ मिनरल्स मिनरल से भरा पड़ा है अफ्रीका और वहां पर है गरीबी भुखमरी अशिक्षा गरीबी और वहां के लोगों को हमने गुलाम बना रखा तो जो अफ्रीका पर राज करेगा किस्मत उसकी मुठ्ठी में तो अफ्रीका को लेके बहुत ज्यादा मतभेद चल रहे थे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो यह तय किया गया कि इसका पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन करने का समय आ गया है राजनीतिक रूप से इसका बंटवारा कर लेना चाहिए शांति से पीसफुली भाई ब्रिटेन ने कहा हम भी चोर हैं जर्मनी कह रहा है हम भी चोर हैं तो जब तुम भी चोर हो हम भी चोर हैं थोड़ा तुम खा लो थोड़ा हम खा लेंगे बर्लिन कांग्रेस में क्या हुआ यही तो हुआ कि मिल बांट के खा लेते हैं यार पूरा अफ्रीका खाना है अकेले ना तो तुम खा पाओगे ना हम खा पाएंगे और लड़ेंगे तो ज्यादा नुकसान है दो बिल्लियों की लड़ाई में कोई बंदरबाजी मार ले जाएगा तो शांति से बैठ बैठ के फैसला कर लेते हैं यार आधा तुम खा लो आधा हम खा लेते हैं यही तो किया तो अल्टीमेटली यह तय किया कि लैंड को आधा तोड़ लेते हैं आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाई गई इंटरनेशनल बाउंड्री ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानी का दो पार्ट्स में तोड़ लिया तो फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स मसई ट्राइब के जो फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे अब वो इंपीरियल पावर्स के पास जा चुके थे नाउ दे वर यूज्ड फॉर व्हाइट सेटलमेंट यहां पर अब अंग्रेज रहेंगे दे वर यूज नाउ फॉर वाइट सेटलमेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड ऑफ मसई कम्युनिटी ऑफ मसई लैंड तो ये जो मसई थे देउट सिक्सटी परसेंट ऑफ देयर प्री कोलोनियल लैंड कॉलोनियल रूल से पहले जिनके जितना जमीन जितना मसई लैंड उनके पास था सिक्सटी परसेंट वॉज लॉस्ट बाई देउथ की नॉर्थ तंजानिया का इलाका उनके पास क्या बचा दे टू ड्राई एरियाज एरिड का मतलब होता है ड्राई सूखे एरियाज ड्राई एरियाज रेनफॉल बहुत अनसर्टेन था पास्चर्स बहुत ही पुअर ये एरियाज रह गए उनके पास समझ रहे हो जब हम प्री कॉलोनियल टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो मसई ट्राइब थी मसई ट्राइब ये आसपास के इलाकों में बहुत पावरफुल ट्राइब थी बहुत पावरफुल पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी इट वाज अ डोमिनेटिंग ट्राइब आसपास के पूरे इलाके में और इवन जो एग्रीकल्चरल नेबर थे मसई कम्युनिटी वाज वेरी डोमिनेटिंग। राजनीतिक रूप से भी पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी ये मसई ट्राइब लेकिन ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है इन द एरियाज ऑफ ईस्ट अफ्रीका लोकल फार्मर्स से कहा कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन करो ज्यादा खेती करो तभी तो ये जमीन से लैंड रेवेन्यू मिलेगा ज्यादा खेती करो तो पास्र लैंड्स को कन्वर्ट किया एग्रीकल्चरल लैंड्स में खेती की जमीन इवन बहुत सारे एरियाज को रिजर्व बना दिए जैसे हिंदुस्तान में किया कि रिजर्व एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट है यहां पर ट्राइब्स का विदाउट परमिट जाना मना है यहां पर भी ये कर दिया रिजर्व मारा संभुर नेशनल पार्क कीनिया के अंदर है या से पार्क तंजानिया में ये रिजर्व है रिजर्व दीज ट्राइब्स वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व एरियाज ये एरियाज के अंदर जाना मना था यहां पर जानवरों की हंटिंग मना थी ग्रेजिंग मना थी नॉट अलाउड समझ रहे हो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेरंगटी नेशनल पार्क की बात करते हैं जो तंजानिया में है दिस सेरंगटी नेशनल पार्क इट वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड इट वॉज क्रिएटेड इट वॉज एस्टैबलिश ओवर मोर देन फोर्टीन थाउजेंड किलोमीटर्स ऑफ मसई लैंड मसई कम्युनिटी का जमीन था यार जिसको बाद में सरंगठ नेशनल पार्क बना दिया हाथ से ग्रेजिंग एरियाज चले गए पानी का सोर्स चला गया और कहा रह गए ड्राई एरियाज में ना ना तो, ना तो पानी है ना पास्टर लैंड है जानवरों के लिए कुछ नहीं है इवन नाउ द बॉर्डर्स वर क्लोज देखिए कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसकी वजह से इन पेस्टरल कम्युनिटीज के मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लग गई सिवियर रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज ऑन द मोबिलिटी ऑन द मोबिलिटी ऑफ दीज ट्राइब्स उनसे कहा गया कि आपको इसी एरिया में रहना है इससे बाहर नहीं जा सकते देवर कन्फाइंड टू स्पेशल रिजर्व बाहर जाना अलाउड नहीं है जाना है तो स्पेशल परमिट की जरूरत है विदाउट दिस स्पेशल परमिट दे वर नॉट अलाउड टू लीव दैट एरिया और परमिट मिलता नहीं था परेशान करते थे मारते थे मेंटली और फिजिकली हरास करते थे और रूल्स तोड़ा अगर इफ दे द रूल्स तो रूल्स तोड़ना अलाउड नहीं था कॉलोनियल रूलर्स का ऑफिशियल्स का कहना था कि ये जो पेस्टरल ट्राइब्स हैं जो हिंदुस्तान में हो रहा था वही अफ्रीका में हो रहा देखो सोच तो वही थी कि ये जो ट्राइब्स हैं दे आर डेंजरस दे आर वाइल्ड दे आर सैवेज उनको ना तो ट्रेड करना अलाउड था हां अगर ब्लैक्स की उनको सिर्फ जरूरत थी तो वो थी इन द फॉर्म ऑफ लेबरर्स बस वाइट्स ओनली रिक्वायर्ड ब्लैक पीपल एज लेबरर्स क्योंकि माइन में कौन काम करेगा अंग्रेजों के ताऊ आएंगे काम करने के लिए उनको पता था कि यहां पर काम कौन करेगा सड़क बनानी है घर बनाना है हमारा माइंस में काम करना है प्लांटेशंस में काम करना है यहां पर कौन काम करेगा तो यहां पर जब काम करवाना है तो ये काले लोग हैं ना ये काम करेंगे और जहां ट्रेड करना है वहां नहीं ट्रेडिंग राइट्स नहीं देंगे ग्रेजिंग राइट्स नहीं देंगे हंटिंग राइट्स नहीं देंगे वो सब नहीं देंगे जब उसकी बात आती है तो बोल दिया कि ये तो डेंजरस लोग हैं वाइल्ड लोग हैं सैवेज लोग हैं हिंदुस्तान के लिए भी तो यही कहा था कि अनसिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड अरे पहाड़ से काटकर हमने मंदिर बना दिए और तुम कह रहे हो यहां पर जिहालत का दौर था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम मसाइज की बात करते हैं देखो मसाई ट्राइब के लोगों को एक फिक्स्ड एरिया में बाउंड कर दिया कि बस इससे बाहर नहीं जा सकते हैं देवर कन्फाइंड विद इन रिजर्व एरिया उनको किसी भी तरह से इस एरिया से बाहर जाना अलाउड नहीं था बेस्ट ग्रेजिंग लैंड से उनको कट ऑफ कर दिया देवर कट ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लिव इन सेमी ड्राई ड्राई, एरियाज, है ना? एरिड का मतलब dry, जहां पर सूखा पड़ता था ड्रॉट देखो नोमैडिज्म का बेसिक प्रिंसिपल ही यही कहता है कि जब वेदर का ऑल्ट्रेशन होगा जब मौसम बदलेगा और वो वेदर आपके लिए और आपके जानवरों के लिए सूटेबल नहीं है तो आप वहां से शिफ्ट करेंगे नोमैडिज्म यही तो कहता है नोमैडिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है मूवमेंट Move, माइग्रेशन वो माइग्रेशन के सिद्धांत पर चलता है नोमैडिज्म कि आप माइग्रेट करेंगे फॉर सूटेबल लिविंग कंडीशंस, सूटेबल कंडीशंस। यही तो नोमैडिज्म कहता है ना कि सूट इन द सर्च ऑफ सूटेबल लिविंग कंडीशन फॉर यू एंड फॉर द ट्राइब एंड द एंड एनिमल्स यू विल माइग्रेट जब गर्मी पड़ेगी जब सूखा पड़ेगा और वहां पर ना तो पानी के सोर्स अवेलेबल हैं, यू डोंट हैव वाटर रिसोर्सेज यू डोंट हैव तो आपको मूव करना पड़ेगा तो पहले तो यह कह दिया कि यह मसाई लैंड का 60 परसेंट पार्ट हमारा हमने आपस में बांट लिया ब्रिटेन ने और जर्मनी ने तो पास्टर लैंड चले गए और उसके बाद ये कह दिया कि अब तुम्हें इसी एरिया में रहना है इसी कमरे में रहना है इससे बाहर नहीं जा सकते तो पहली बात तो अब मेरे पास पास्टर लैंड नहीं है अब दूसरी बात जहां पर मुझे रखा है यहां पर बारिश नहीं हो रही है पानी नहीं है मेरे जानवरों के लिए चारा नहीं है और वो ढूंढने के लिए मैं कहीं और जा भी नहीं सकता हूं मेरा मूवमेंट भी रोक दिया नाउ आई एम क्योंकि मैडिज्म वो तो बंजारे हैं ही इसलिए कि मूवमेंट करेंगे वो मूवमेंट भी बंद कर दिया तो जानवर मरेंगे दे कु नॉट शिफ देअर कैटल्स दे कुड नॉट शिफ्ट दाइब इन सर्च ऑफ द एरिया जहां पर वाटर रिसोर्सेज हो पास्टर्स अवेलेबल हों वो जा नहीं सकते उसकी वजह से कैटल स्टार्टेड डाइंग जानवर मरने लगे भुखमरी से मरने लगे मैंने कहा ना ये वो दौर था जहां पर इंसान धोखे मर रहे थे जानवर तो सरकार के पास इंसानों के लिए टाइम नहीं था जानवरों के लिए टाइम कहाँ से आएगा ठीक है ना एक रिपोर्ट कहती है कि ये मसाई कम्युनिटी देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था ये कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं थी एक बड़ी कम्युनिटी थी और पावरफुल कम्युनिटी थी अगर जानवरों की बात भी करते हैं स्पेशली इन द एरियाज ऑफ कीनिया मोर देन सेवन लैख मोर देन सेवन लैख कैटल्स मोर देन एट लैख शीप एंड मोर देन वन पॉइंट सेवन लैख ये छोटी मोटी ट्राइब नहीं है ये नंबर्स दे दीज आर नॉट स्मॉल दीज आर बिग नंबर्स दीज आर लार्ज फिगर्स जो बताता है कि मसाई ट्राइब बहुत बड़ी ट्राइब थी बट द कलोनियल लॉज दे वर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे वर नॉट एक्चुअली स्ट्रिक्ट दे वर दीज दीज लॉज वर हरासिंग दीज पीपल टॉर्चरिंग दीज पीपल एंड दैट्स वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट ऑल द पीपल वर इक्वली अफेक्टेड देखो अगर हम यहां की बात करते हैं दो तरह के लोग थे इस ट्राइब में दो तरह के लोग थे दो जो पूरा अगर हम मसई कम्युनिटी का सोशल स्ट्रक्चर समझते हैं सोशल स्ट्रक्चर अगर आप इनके सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं इनके समाज में दो तरह के लोग थे एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करें टू टाइप्स ऑफ पीपल देयर पहले थे एल्डर्स एल्डर्स वो लोग थे जो रूलिंग ग्रुप था समाज में कुछ बड़े बुजुर्ग कुछ समझदार लोग कुछ समझदार वर्ग जिसके पास ज्यादा जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है एल्डर्स ये काउंसिल्स में बैठते थे मिलते थे दे हैड रेगुलर मीटिंग्स इन द काउंसिल्स और समाज के फैसलों के समाज के कुछ इंटरनल अफेयर्स के लिए फैसले लेते थे दे यूज टू डिसाइड द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब एंड दे यूज्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स समाज में ट्राइब में जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको सेटल करना है तो पहला तो ये ग्रुप था दूसरा ग्रुप था वॉरियर्स वॉरियर्स जनरली यंग पीपल थे यंग लोग ये वॉरियर्स वो थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी ट्राइब की सुरक्षा करना इनका प्राइम मकसद था प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब अपनी कम्युनिटी को बचाना और कैटल रेड्स में पार्टिसिपेट करना कैटल रेड्स कम्युनिटी की पावर को बढ़ाने के लिए और दूसरी कम्युनिटीज पर प्रेशर बनाए रखने के लिए डोमिनेंस के लिए कैटल रेड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ये उस जमाने का वॉरफेयर था कैटल रेड्स तो उसमें ये वॉरियर्स पार्टिसिपेट करते थे तो ये दो तरह के लोग थे एल्डर्स और वॉरियर्स एल्डर्स एंड वॉरियर्स ठीक है ना बाद में टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ चीफ को खुद अपॉइंट किया नहीं करना चाहिए था आप पहले तो उस ट्राइब के सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को इफेक्ट कर रहे हैं आप उनके लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं आप उनकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को खत्म कर रहे हैं और बाद में आप उस ट्राइब के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मसई ट्राइब के जो चीफ थे वो खुद अपॉइंट करना शुरू कर दिया टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब और ये जो चीफ थे अब क्योंकि इनको सरकार ने अपॉइंट किया है अब ये वो लोग थे हु स्टार्टेड एक्युमलेटिंग वेल्थ इस वेल्थ से जानवर खरीदने लगे सामान खरीदने लगे जमीन खरीदने लगे गरीब लोगों को पैसा देने लगे उधार पे ब्याज पे है ना धीरे धीरे शहरों में रहना शुरू कर दिया इन चीफ ने हाँ इनके जो इनकी बीवी इनके बच्चे ये अभी भी गांव में रहते थे वहां पर जानवरों की देखभाल करते थे वाइफ्स एंड देयर दे देर दे स्टेड बैक इन विलेजेस टू टेक केयर ऑफ देयर एनिमल्स ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया सो दे हैड पेस्टरल एज वेल एज नॉन पेस्टरल इनकम सोर्स लेकिन ये चीफ अब थोड़ा सा पावर वाले लोग हो गए अब इसका इफेक्ट क्या हुआ देखो इससे दो बातें इफेक्ट हुई पहला पहला इफेक्ट मसई सोसाइटी के अंदर एल्डर्स और वॉरियर्स का जो डिफ्रेंसिएशन था ये डिस्टर्ब हो गया एज के आधार पर ये जो डिफ्रेंसीेशन बनाया गया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं ज्यादा अनुभवशील लोग हैं उनको एल्डर्स कहा गया और ये समाज में वो लोग हैं जो समाज के लिए फैसले लेंगे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे पॉलिसी मेकर्स हैं और डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करेंगे और जो यंग लोग हैं वो ट्राइब की सुरक्षा का, का काम करेंगे कैटल रेड्स का, का काम करेंगे ये डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इन्होंने अब अपने हिसाब से चीफ को अपॉइंट करना शुरू कर दिया और दूसरा इस ट्राइब के अंदर रिच और पुअर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डिविजन हो गया अमीरी और गरीबी जो पहले नहीं थी वो अब आ गई क्योंकि अब जो ये चीफ थे इनके पास थोड़ा पैसा वैसा आ गया जमीन जानवर सामान ये खरीदना शुरू कर दिया तो रिच और पुअर का जो डिस्टिंक्शन था ये एक नया डिफरेंस एक नया डिविजन हो गया ट्राइब के अंदर जो पहले नहीं था तो मसई कम्युनिटी के सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा बदलाव आया नंबर वन नंबर वन कि जो ये एल्डर्स और वॉरियर्स के ग्रुप थे ये डिस्टर्ब हो गए और नंबर टू वेल्दी और पुअर नाउ दिस वॉज द न्यू डिविजन इन द सोसाइटी सो बेटा जी दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर तो आज के इस लेक्चर में फॉर दिस चैप्टर पेस्ट्रलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड हमने इसको मेजरली तीन पार्ट्स में पढ़ा है सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सम पेस्टरल कम्युनिटीज पेस्टरल ट्राइब्स इन इंडिया पहले हमने माउंटेंस के बारे में बात की माउंटेंस में हमने गुजर बकरवाल्स गड्डी शेफर्स गुजर कैटल हर्डर्स भुतियाज शेरपाज ऐसे कुछ ट्राइब्स के बारे में बात की है ना और उनके सीजनल मूवमेंट के पैटर्न को और उसके पीछे के कारण को हमने समझा उसके बाद हमने प्लेन्स प्लेट्यूज डेजर्ट्स के बारे में बात की तो महाराष्ट्र के इलाकों में हमने ढंगर्स ट्राइब के बारे में बात की देर वर समर ट्राइब्स गोलाज कुरुबाज हम कुछ और ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश कर्नाटक की तरफ भी हमने बात की और इसके बाद हमने उनके मूवमेंट को भी समझने की कोशिश की कि, कि किस तरह से मॉनसून की वजह से उनका मूवमेंट हो रहा है डेजर्ट के इलाकों में हमने रायकाज मरु रायकाज ऐसे कुछ ट्राइब्स बंजाराज ऐसे ट्राइब्स के बारे में बात की किस तरह से सूखे की वजह से उनको मूवमेंट करना पड़ता है इन सर्च ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड पास्टर लैंड्स उसके बाद हमने देखा किस तरह से कोलोनियल पीरियड में बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट एंड हरासिंग कोलोनियल पॉलिसीज़ किस तरह से अंग्रेजों की वजह से उनके बनाए हुए कानूनों की वजह से फिर चाहे वो ग्रेजिंग टैक्स था क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था ऐसे कुछ पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारी ट्राइब्स बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज अफेक्ट हुई कुछ लोगों ने धीरे धीरे खेती बाड़ी की तरफ आना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने नए पाश्चर्स को ढूंढना शुरू कर दिया कुछ खेती हर मजदूर बन गए लैंडलेस लेबरर्स बन गए एंड एट लास्ट हमने देखा अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ अफ्रीका मसई वैसे तो अफ्रीका में बहुत सारी ट्राइब्स हैं बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन मसई ट्राइब तो हमने मसई लैंड को समझा उसके कॉन्सेप्ट को समझा मसई ट्राइब प्री कोलोनियल पीरियड में कितनी इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग ट्राइब थी लेकिन बिकॉज ऑफ कलोनियलिज्म किस तरह से मसई लैंड का बंटवारा हुआ और मसईज़ के हाथ से जो फाइनेस्ट पास्चर्स थे ग्रेजिंग लैंडस थी वो चली गई एंड नाउ दे वर कन्फाइंड टू अ वेरी ड्राई एंड द एरियाज विच वर नॉट मेंट फॉर देयर कैटल्स और इस वजह से उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आई और ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से मसई सोसाइटी के अंदर किस तरह के बदलाव आए वो भी हमने देखा सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस चैप्टर आई रियली होप दिस वीडियो वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव टू यू ये चैप्टर जो मुश्किल लग रहा था अब काफी आसान लगेगा इसके रिविजन में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी तो मुलाकात होगी आपसे इन सम अपकमिंग लेक्चर टिल देन दिस वॉज शुभम गुप्ता साइनिंग ऑफ आई टेक लीव अ ग्रेट टाइम बाय सी यू सून सायोनारा